बट मैंने सुना पेरिस से आप भाग के आ गए थे, ऐसा क्यों हुआ? तो मैं थोड़ा देसी आदमी हूँ, मेरे को मतलब हाँ इंडिया हिंदुस्तान बहुत पसंद है, मतलब घर लगता है ना, मतलब घर से बाहर जाने को पसंद नहीं होता। ठीक है, हाँ बहुत सारे ऐसे रूम में घुसते हैं और तुमको ऐसा लगता है कि और भी बहुत सारे मेजर सक्सेसफुल लोग हैं, तो कभी हाँ यार ऐसे खुद पे डाउट नहीं होने लग जाता होता है कभी कि खुद पे यार मैं कर क्या रहा हूँ, मतलब लोग तो इतना इतना कर लिए हैं और मैं अभी भी यही कर रहा हूँ, मतलब कभी ऐसा फील होता है किसी रूम में घुसने? एंड अगर होता है तो हाउ डू यू डील विद दैट? यार, इस चीज के ना दो दो पहलू हैं देखने। अब मैंने उसको कन्वर्ट करके देखा, बुखार 104, मेरी फटके 4। अब क्या करेंगे? 3 साल का रिलेशन 3 दिन में ओवरकम कर लिया, मतलब मानना पड़ेगा भाई दोस्त कुछ ज्यादा ही अच्छा बहुत है, बढ़िया है बहुत ही यार, बढ़िया है। मैंने जिंदगी में अगर कुछ कमाया है ना, हाँ, तुम्हारी मतलब दोस्ती कमाई है। वो ही कमाया है मैंने। नहीं, वो डेफिनेटली। दोस्त बहुत बढ़िया है मेरे। मैं अगर अभी फोन कर दूं ना अपने दोस्त को, मैं परेशान हो गया हूँ, वो नेक्स्ट फ्लाइट से आए। तो मैं बोलता हूँ ये इंडस्ट्री 99.9% किस्मत है, हाँ, 1% मेहनत है, मेहनत पर है। वो जो 0.1% है ना, वो हाँ, लोग भी मेहनत नहीं कर पाते, उतनी भी नहीं कर उतनी भी पाते नहीं कर हैं। पाते लोग। हाय गाइस, वेलकम टू गुड क्योस पॉडकास्ट विद अरिंदम। दिस इज अ पॉडकास्ट वेयर वी गेट इन टू द क्रिएटिव डेप्थ्स ऑफ पीपल, ऑल वाइल कीपिंग इट वेरी लाइवली एंड फन। टुडेज गेस्ट इज सौरभ बेदी। सौरभ बेदी एक बहुत ही फेमस एक्टर एंड मॉडल है। उन्होंने बहुत काम किया हुआ है मॉडलिंग में। मॉडलिंग में स्पेसिफिकली ही हैज़ वर्क इंटरनेशनली, नेशनली एज वेल विथ इंटरनेशनल ब्रांड्स एज वेल। ब्रांड्स लाइक जी क्यू, वोग, जस्ट नेम द बिगेस्ट ब्रांड्स, पैंटलूंस, हर ब्रांड के साथ ऑलमोस्ट उन्होंने काम किया हुआ है। एंड व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग, उन्होंने बहुत सारे कमर्शियल एड्स किए हुए हैं, वो टीवी शोज कर चुके हैं। सो वो आज अपना एक्सपीरियंस बताने वाले रिगार्डिंग एवरी थिंग। एंड बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है उनका, बहुत ही डाउन टू अर्थ बंदे हैं। एंड उनके साथ बात करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। कब देखते देखते 2-3 घंटे निकल गए, इनफैक्ट समझ नहीं आया। आई थिंक जब मैं ये पॉडकास्ट अपलोड करूँगा मैं उसको ट्रिम डाउन ज़रूर करने वाला हूँ, जस्ट सो दैट आई गिव द बेस्ट क्वालिटी टू यू गाइज। बट बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट था, बहुत ही लंबा पॉडकास्ट था एंड बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। वो 3 के 3 घंटे मैं सिर्फ हंसा हूँ एंड वो आपको देखने को भी मिलेगा। सो जस्ट गो एंड वॉच दिस पॉडकास्ट। एंड बिफोर आई स्टार्ट दिस पॉडकास्ट आई हैव जस्ट वन रिक्वेस्ट फ्रॉम यू गाइज दैट प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इट्स अ वेरी न्यू चैनल, वी जस्ट हैव 250 सब्सक्राइबर्स। सो आई होप बाई द नेक्स्ट टाइम आई अपलोड द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के एटलीस्ट हमारे और ज़्यादा हो चुके होंगे 1000, विच आई एम एमिंग फ्रॉम अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ प्रोडक्शन वैल्यू वी आर पुटिंग इन टू दिस। आई गेस 1000 अच्छा रहेगा। सो 1000 सब्सक्राइबर्स कर दो गाइज, जल्दी से जल्दी। एंड या विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द पॉडकास्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हाउ आर यू, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया भाई, आप बताओ आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। और क्या चल रहा है अभी आजकल जिंदगी में? अभी मॉडलिंग से मतलब एक्टिंग में शिफ्ट किया जैसे अभी आपने बोला, तो हाँ बस अभी गेनिंग कर रहा हूँ एक्टिंग के लिए। हाँ, सो मतलब गेन एक्टिंग में मतलब थोड़ा वेट मसल, मसल गेन कर रहा हूँ, मतलब ओके, हाँ मास गेन नहीं, मसल गेन कर रहा हूँ। मसल गेन कर रहे हो, जिम ओके। चल रहा है, ऑडिशन चल रहे हैं, बस अभी तो यही चल रहा है करंट लाइफ में। आपने अभी शायद सीरियल भी किया ना? हाँ जी, एक सीरियल किया, कलर्स पे किया था, तो ये स्टार्ट मेरे को एक लास्ट बात ईयर। बता, चांद जलता कैसे है? वो मेरे को भी समझ गया, नाम अच्छा नाम था उसका, गाना तो अच्छा। गाना आया तो बहुत अच्छा आया था, मेरे को तो हाँ बहुत अच्छा लगा। मेरा तो पहले पहला सीरियल था, हाँ तो मैंने लास्ट ईयर ऐसे एक ही ऑडिशन दी है, हाँ मतलब मैं लास्ट ईयर ही मतलब हमेशा सोचा था एक्टिंग तो करनी थी, तो किस्मत से मतलब मॉडलिंग करने लग तो गए। हाँ आपको ऐसा लगता है जेनुअन, क्योंकि मैं आपका इंस्टाग्राम चेक कर रहा था, मुझे लग रहा था कि बंदे की किस्मत तो कुछ अलग ही है भाई। मतलब बिकॉज मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया कि मतलब बाय द टाइम, मतलब जब आपने स्टार्ट ही किया है ना, हाँ मतलब आपने मॉडलिंग जस्ट स्टार्ट किया है, यू स्टार्टेड गेटिंग लाइक बिग प्रोजेक्ट्स है ना, बहुत हाँ बड़े जी हाँ बड़े जी प्रोजेक्ट्स मिलने लग गए अचानक से, मतलब बड़े बड़े मैगजीन्स। आई थिंक यू वेंट टू पेरिस एज वेल हाँ जी हाँ जी फॉर योर शूट। तो मतलब आई हैव सीन, मतलब मॉडल्स को मतलब सालों साल लग जाते हैं, बट आई थिंक कुछ फ्रेश फेसेस होते हैं ऐसे जिनको एकदम मिल जाते। तुरंत ही ऑन ऑन बोर्ड कर देते हैं और भेज दिया जाता है, बट बहुत सारों को सालों साल लग जाते हैं करते करते, है ना? सही तो बात, डू यू थिंक कि कहीं ना कहीं किस्मत का भी हाथ है कि ऐसे कैसे हो रहा है कि ऐसे घुसते ही साथ चीज़ों में ऐसे सक्सेस मिल जा रहा है? अब मतलब मेरे को मेरी किस्मत, चलो बड़े मतलब किस्मत तो मेरी अच्छी है भगवान ने, मतलब मैं भगवान हाँ पूजा पूजा पाठ में बहुत बिलीव करता हूँ, सच में पूजा तो हाँ मैं रोज करता हूँ। आप मतलब महादेव के भक्त भी हो, मैंने देखा है। हाँ मतलब अच्छा, मतलब महादेव, हनुमान जी, मतलब हनुमान चालीसा तो मेरा डेली मतलब पहाड़ टूट जाए मैं वो तो पढ़ूंगा पढ़ूंगा पक्का। तो बाकी मतलब
गुड़गांव से स्टार्ट किया था मैंने, तो पहले तो मैं गवर्नमेंट स्कूल में था, किस्मत की बात करो तो मेरे स्टार्टिंग से अच्छी नहीं रही, तो गवर्नमेंट स्कूल से हम निकले, फिर मैंने कॉलेज किया, कॉलेज कंप्लीट नहीं किया। लुकिंग एट यू इट फील्स लाइक कि आप यू कम फ्रॉम वेल टू डू फैमिली, मतलब अच्छे घर से आते हो, मतलब मतलब ऐसे तो ये थोड़ा ना कि रोटी नहीं खाने को मिलती थी, पनीर भी खाते थे, सब खाते थे, बढ़िया खाते थे, पनीर भी खाते थे, सब बढ़िया खाते थे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी कभी। तो मतलब ऐसा नहीं था ना कि मतलब मेरे को वैसे कभी वो भी नहीं हुआ, जिद भी नहीं की घर वालों से, मतलब अगर आप कभी घर वालों से मिलोगे पूछोगे तो मैंने कभी ये नहीं किया, अगर मेरे को बाइक नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली, जितना था मैं उसमें हमेशा खुश रहूं, मतलब ये मेरी लाइफ का मतलब मंत्र है, मतलब जो मेरे पास है मैं किसी को देख के चलता नहीं हूं। तो फिर गुड़गांव में मतलब ऐसी जब कॉलेज कंप्लीट किया तो मतलब मैं पास नहीं किया था कॉलेज में, ड्रॉप आउट ही था कॉलेज से, इंजीनियरिंग कर रहा था मैं, तो ऐसे ही इंस्टाग्राम चला रहा था तो वहाँ मॉडलिंग का आया, मैंने अप्लाई किया वहाँ पे, तो वहाँ पता चला पैसे देने, अच्छा गुड अमाउंट, लाइक अभी 48,000 रुपीज देने थे मॉडलिंग करने के लिए, मॉडलिंग करने के, मेरे को पता नहीं था पहले पैसे देने पड़ते हैं या नहीं देने पड़ते कुछ भी, मेरी तो स्टार्टिंग थी हम मतलब गुड़गांव के, मतलब गांव टाइप ही था, अब डेवलप हुए गुड़गांव बहुत ज्यादा, तो दे दिए पैसे उन्हें, तो वहां जाके पता चला अब तो पागल कट गया, इन्होंने तो हमारा सिर्फ पोर्टफोलियो बना के दे दिया, बेवकूफ बना दिया हमारा, और एक वीडियो ऐसे सीधा चल के बस चलो, उसके बड़ा परेशान हुआ उसके बाद में। तो मैं घर वालों को कैसे बताऊं कि मतलब 48,000 मेरे लिए, मतलब घर वालों के लिए भी बहुत बढ़िया बड़ी बात है, मतलब हमारा तो 3-4 महीने का खर्चा निकल जाता था और वो भी बढ़िया तरीके से। तो उसके बाद मैं मॉल में घूम रहा था दिल्ली के सिलिक सिटी में, तो आपको पता है एलीट मॉडल लुक होता है वर्ल्ड वाइड होता है, एलीट मॉडल लुक वर्ल्ड वाइड होता है, वो इंडिया में बंद हो गया, वो लास्ट 2017 तक ही हुआ था, तो उसमें एलीट के लोग आते हैं, जो एलीट एजेंसी है वर्ल्ड की, बहुत अच्छी एजेंसी है वो, तो वो इंडिया आके स्काउटिंग करती है और तुम्हें ट्रेनिंग देती है 7 दिन के लिए, उसमें से जो जीतता है उसको वो एलीट अपनी उसमें साइन कर लेती है। वाओ। तो वो डेली में उसके ऑडिशन चलते थे मॉल के अंदर कास्टिंग। तो एक बंदा आया मेरे पास, कहते भाई आपकी हाइट अच्छी है आप ट्राई करो, मेरा एक्सपीरियंस खराब था कि मैंने पैसे दिए थे, मैंने सीधा ही बोला पैसे दिए थे आपने, मैंने दिए थे जब पहले दिए थे, उसके बाद मैंने जॉब ज्वाइन कर ली थी, मैं हेल्दी इंस में जॉब करता था, हेल्दी कंपनी ना ब्लड टेस्ट की, उसमें जॉब करता था, फोन करके सर हेल्थ चेकअप करवा लो, तो ऐसे सैटरडे संडे ऑफ था तो मॉल चला गया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो मॉल में गया तो वो बंदा आया, कहते सर आपको ये एलीट में करना चाहिए, आपकी हाइट अच्छे दिखते हो। तो मेरा एक्सपीरियंस खराब था कि मतलब यार पैसे लेते हैं सब लेते हैं, मैंने कहा भाई पागल मत बना यार, मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए, कहते नहीं नहीं भाई आपको पैसे नहीं देने। अच्छा मैंने कहा ठीक है मैं देखते हैं। तो उन्होंने मतलब रैंप वॉक किया, उन्होंने बोला यू आर शॉर्टलिस्टेड सिलेक्टेड, यू हैव टू कम टू मुंबई फॉर नेशनल कास्टिंग। तो मैंने कहा देख भाई अब पैसे लेगा तू, कहते नहीं नहीं सर हम आपकी टिकट खुद बुक कराएंगे। आपको 7 दिन मुंबई में रुकना, मेरे फिर दिमाग में आए फिर पैसे लेगा। तो उसके बाद उन्होंने फिर सोफिटल होटल है ना बीकेसी में, उन्होंने वो बुक कराया 7 दिन, उन्होंने ही बुक कराया और डेली वापस की टिकट भी उन्होंने ही दी। तो वो 7 दिन फिर हमें ट्रेनिंग मिली, इंडिया के टॉप मॉडल से बाहर से मॉडल्स आए, तो उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी कि मॉडलिंग ऐसे करते हैं ऐसे नहीं करते। फिर वहां से फिर मेरा करियर अप हुआ। ओके। तो एलीट करके निकला, फिर ऐसे करके मेरे को एजेंसी मिली, एजेंसी ज्वाइन की मैंने दिल्ली में, तो दिल्ली में एजेंसी ज्वाइन करते, फिर मेरे को फर्स्ट शूट आजियो का मिला, आजियो करके मैं वापस। तो आप डायरेक्टली मुंबई नहीं आए थे उस चीज के बाद? मैं मुंबई आया, जैसे मुंबई आया था मैं 2018 में आया था वो एलीट करने, फिर वापस चले गए थे। सॉरी 2017 में आया था एलीट करने, फिर वापस दिल्ली चला गया था। एजेंसी मैंने अपनी जॉब कंटिन्यू रखी हेल्दी एंस की, फिर मैं तब तक सोच नहीं रहा था कि अपना ये जॉब कर रहे थे तब। मैं अपना सोच नहीं रहा था कि एकदम से यही करियर बना लूं, एकदम रिस्क लेना पड़ता है ना कि मतलब फैमिली मिडिल क्लास फैमिली से, और मतलब अकेला लड़का हूँ घर का, तो मतलब मेरे घर वाले थोड़े ओल्ड स्कूल, मतलब यही लड़का है जो मतलब अब ठीक करेगा घर को, मतलब ऐसा भी नहीं कि मेरे घर वालों ने बोला नहीं तू नहीं करेगा। घर वालों से कभी वो नहीं मिला मेरे को, प्रेशर नहीं है, प्रेशर नहीं है ना, कभी पढ़ाई का आया ना कभी आया, मतलब हर सैटरडे मतलब हर पेरेंट टीचर मीटिंग में मेरे पेरेंट्स को तो पक्का आना था कि इससे मतलब बकचोद लड़का हमने अपनी जिंदगी में देखा, पापा बोल रहे थे इसे मारो इसे ठीक करो, तो ऐसे घर से प्रेशर नहीं आया। तो फिर वो एलीट करके वापस गया, जॉब कंटिन्यू करी, फिर जब मेरे को 2018 में पहला काम अजियो का मिला, तो फिर मतलब जो मेरी 7-8 महीने की कमाई थी, मतलब उसकी क्या कहते हैं जॉब की, वो मेरे को जब 15 दिन में मिली तो 10-12 दिन में मिली, तो मैंने सोचा कि नहीं भाई कुछ तो है यही यही लाइन पकड़ते हैं।
तो फिर तब तक मैंने छोड़ा नहीं था कि मतलब एकदम से कि एकदम छोड़ू. वापस आया, वापस आते ही मतलब बैंगलोर करने गया था जियो का शूट में, तो मैं 7 days के लिए बुक हुआ था. फिर उन्होंने मेरे को 7 days के बाद मतलब 7 days के लिए और कर लिया उसी टाइम में, फिर 7 दिन के लिए और कर लिया. तो मैंने गुड 21 days 22 days शूट किया था वहाँ पे, और अच्छा खासा मतलब मेरा पर डे तब 8,000 था और मेरी सैलरी थी 16,000. अच्छा पूरे महीने की, पूरे महीने की 16,000 रुपए सैलरी थी, पर मेरे को पर डे 8,000 रुपए मिलता था जियो में शूट करने के. 90 चेंजेस करते थे ई-कॉमर्स में. अच्छा तो फिर मतलब दिल्ली वापस आए, फिर अजियो किए, तो उसके जीक्यू कैसे, जीक्यू पेरिस में था? नहीं नहीं, जीक्यू जीक्यू यही मिला, दिल्ली में ही था. हाँ मुंबई में हुआ था जीक्यू का शूट. अच्छा मुंबई में हुआ था. तो मतलब जीक्यू के लिए सिलेक्ट हुआ था मैं, मेरे को फोन आया था कि आप मतलब जीक्यू के लिए शूट करोगे. मैंने कहा मतलब पूछने वाली बात है क्या ये करूँ, आप सीधा डेट्स बताओ कब करने. तो उन्होंने बोला आप एक ही पिक्चर के लिए सिलेक्ट हुए हो, तो वो भी ग्रुप पिक्चर है वो. मैंने कहा ठीक है, तो मैं फिर भी करने को रेडी था बिल्कुल. तो आया मुंबई शूट करने. तो जैसे मैं सेट पे पहुंचा, पहले तो महबूब स्टूडियो में शूट था, मतलब बेस्ट स्टूडियो है मुंबई का. तो वहाँ शूट, मेरा फर्स्ट शूट ही महबूब स्टूडियो में था. तो मतलब वहाँ भी लोग करने को मतलब बहुत टाइम लगता है. तो वहाँ किया शूट, तो जो स्टाइलिस्ट थे फोटोग्राफर तो वो थे तरुण खिलवाल सर. तरुण खिलवाल, हाँ तरुण खिलवाल सर. चुनू कर दी तरुण खिलवाल, अरे भाई. और स्टाइलिस्ट विजेंद्र भारद्वाज थे. तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने बोला इस पे दूसरी लुक भी ट्राई करवाओ. जैसे उन्होंने देखा, उन्होंने कहा बढ़िया है. तो मतलब मैं एक पिक्चर ले आया था, बट फिर मेरी 3 solo आई, 1 group आई, और 2 duo आई, और 3 बंदों के साथ आई. मतलब 6 पिक्चर आई थी तब मेरी जीक्यू. तो फिर वहां जीक्यू करके निकला, तो फिर मतलब गौरव गुप्ता कर लिया, फिर वो कर लिया, ब्राइट स्टूडे ये वो, फिर पिक हो गया था मतलब अच्छा खासा काम. ओके फिर पेरिस से मतलब फिर मैंने मुंबई में एजेंसी ज्वाइन कर ली नेगा. फिर मैं मुंबई शिफ्ट कर गया था. बट मैंने सुना पेरिस से आप भाग के आ गए थे, ऐसा क्यों हुआ? तो मैं थोड़ा देसी आदमी हूँ, मेरे को मतलब इंडिया हिंदुस्तान बहुत पसंद है मेरा. मतलब घर लगता है ना, मतलब घर से बाहर जाना कोई पसंद नहीं करता. तो मैं वहाँ गया था, तो मैं दिमाग में सोच ही गया था कि मैं 3 महीने के लिए ही जाऊँगा. तो मतलब मेरा कोई वो, एक तो मेरे को एक्टिंग करनी है ना. तो फिर जब मॉडलिंग स्टार्ट हो गई थी, तो सोचा था मैं 2-3 साल मॉडलिंग को दूंगा, उसके बाद एक्टिंग स्टार्ट करूँगा. तो मैं 24 में स्टार्ट की थी मॉडलिंग, सोच रखा था 27 तक अपना मॉडलिंग करे, 27 में मैं एक्टिंग स्टार्ट कर दूंगा. तो मेरा 3 महीने का प्लान था जाने का. तो मेरी टिकट्स थी 15 अप्रैल को यहाँ से पेरिस की, और वापस थी 15 जुलाई की. तो मैं ठीक है, मैं गया वहाँ पे, अपने शूट वगैरह स्टार्ट किए करने, कास्टिंग वगैरह पे गया. तो कास्टिंग वगैरह पे जाके मतलब काम किया मैंने अच्छा खासा. फिर 1.5-2 हफ्ता मतलब तो पेरिस घूम लिया. अब क्या करूं, अब अकेला बंदा बोर हो जाता है, रातों घर पे आके अकेला परेशान में परेशान. मैं वहां दारू पीने लग गया. तो उसके बाद और क्या करे अकेला बंदा, मतलब बैठ के बियर सस्ती मिल रही थी, बियर पीता रहता था, बियर पीता रहता था. तो मैं बहुत परेशान हो गया था, मतलब काम करता था बट अकेला बहुत, मतलब मेरे को अकेला मतलब पसंद नहीं है. मतलब अब यहाँ पे कितने दोस्त हैं, बाहर निकल जाओ शाम में, कुछ भी मिलते रहो, वापस आ जाओ. तो फिर उन्होंने 18 June, मतलब 2 महीने ऑलमोस्ट हो गए मेरे को, 18 June को मेरी एजेंसी से मैसेज आया पेरिस वाली कि सौरभ कम टू द ऑफिस टुमारो. 18 June ही थी, 27 or 28 होगी, कम टू द ऑफिस टुमारो विद योर पासपोर्ट, हम आपका वीजा एक्सटेंड कर रहे हैं 1 साल के लिए. अच्छा मेरी तो मतलब पड़ी जान निकल गई. नहीं और 1 साल मेरे बस की तो नहीं, मेरे को तो घर जाना है, मेरे को दाल चावल खाए इतना टाइम हो गया और वहां पे बस स्वाद नहीं मिल रहा. तो मैं मतलब अपनी एजेंसी को फोन किया इंडिया में. मैंने कहा ये तो नहीं होगा मेरे से. मैंने कहा मैं तो नहीं, मतलब 3 महीने और मतलब 1 साल और एक्सटेंड नहीं करूंगा. मैंने कहा मेरे तो 15 जुलाई की है, तब तक वेट कर सकता हूँ, मैं वापस आऊंगा. फिर इंडिया की एजेंसी बोल रही थी कि नहीं सौरभ की मतलब किसी को मतलब मिलता नहीं ऐसे मौके, तुम्हें मिल रहे हैं तो छोड़ो, अब तुम सीधा डायरेक्टली पेरिस गए हो. लोग लंदन पता नहीं कहाँ 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 जाके पेरिस जाते हैं, और तुम सीधा पेरिस गए हो. तो मतलब देखो मैं काम करने तो आया हूँ, काम करने सब आते हैं. मतलब मैं तो बहुत अपनी मेहनत, मतलब जैसे मेरे को एक्टिंग करने में बहुत मेहनत कर सकता हूँ, मॉडलिंग करने इंडिया में करनी है, मैं सब कर सकता हूँ मेहनत के लिए. अब बाहर शांति नहीं है. एट द एंड ऑफ द डे मैं शांति के लिए काम करूँ, मैं घर आऊँ सो, और मतलब मेरा दिमाग शांत होना चाहिए. इसलिए मैंने अपना घर मलाड में भी अंदर की तरह ले रखा, वहाँ पे मतलब चीची चे चे चुची कुछ नहीं होता, शांत. रात को सोते हैं ना तो शांत रहते, मतलब शांति चाहिए, बहुत जरूरी है. हाँ मतलब पीस ऑफ माइंड नहीं ना, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, डिप्रेस्ड बंदा कुछ नहीं कर सकता. वहाँ पे डर नहीं लगा कि ये सोच के कि क्या पता वापस जाओ काम ना मिले, मतलब वहां पे मिल रहा है अच्छा खासा काम यार. मतलब
मेरे को जीरो से स्टार्ट करने में कभी डर नहीं लगा मतलब मैं, किया ही है ना शुरू मैंने जीरो से स्टार्ट किया तो मतलब मेरे को पता है कि जीरो से स्टार्ट करके होता क्या है. मैंने तो एकदम नीचे देखा हुआ है सब कुछ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता. अगर वापस नहीं चल जाऊँ वापस ऊपर आ जाऊंगा. ऑफ कोर्स किया हुआ है पहले से, मेरे को तो कोई उसमें दिक्कत भी नहीं. हां शुरू में लाइक स्टार्ट करने के पहले वो कॉन्फिडेंस में इशू आता होगा आई एम श्योर कि मैं कर पाऊंगा मॉडलिंग की नहीं कर पाऊंगा या जो भी है. बट उसके बाद फिर प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तब समझ आया कुछ तो है भाई, कि कुछ तो है मेरे में जो मिल रहा है काम. मेरा आजीव में खुल गया था दीदी की फोटो, मतलब एंगल अच्छे थे दीदी में दिमाग में फोटो. उसके बाद दोस्त वगैरह हम सारे खींचने लगे. मतलब पहले टाइम था ना, अब तो मतलब उतनी बड़ी बात भी नहीं थी पर कॉन्फिडेंस आ गया उधर से कि अब तो मेरे को मॉडल बनना है स्टेज. अब जैसे फोटोग्राफर होता है, हाँ ठीक है, मतलब पता होता है फोटोग्राफर कौन है, सबसे बड़ा जैसे आप फोटोग्राफी करते हो, हाँ तो मतलब एक फैशन फोटोग्राफर और पता चल जाता है फोटोग्राफर. पहले क्या होता था, डीएसएलआर वाला दोस्त, हाँ या जिसके पास डीएसएलआर है वो भाई तू आ जा फोटो शूट पे, तो वही था उन्होंने. मैं भी बहुत टाइम पहले डीएसएलआर वाला दोस्ती था तो मुझे पता है. तो उन्होंने पिक्चर्स खींची डाली, लाइक सारे लग गए, लोग बोलने लग गए यार मतलब अच्छा है तू ट्राई कर, वो तो उन्होंने बोला. फिर वो ट्राई मतलब एक ही बार पागल बना मेरा. फिर मेरे को पता चल गया पैसे तो देने नहीं है भाई, पैसे तो हमें मिलेंगे. पेरिस में जाके आपको लोनली लगा थोड़ा, बट लाइक आपको मुंबई आके नहीं लगा लोनली कभी? मतलब मुंबई में कभी नहीं लगा? मुंबई तो वैसे शहर है थोड़ा लोनली, मतलब ये शहर नहीं है ऐसा तो नहीं कि, हाँ मतलब ऑब्वियसली पेरिस इतना तो नहीं होगा आई एम श्योर, बट अगर आप जैसे किसी छोटे शहर में जाओगे तो आई हैव ऑब्जर्व्ड कि वहाँ पे बहुत होलसम रहता है सराउंडिंग. मतलब थोड़ा ऐसा लोग है आसपास बात कर रहे हैं जो भी. मुंबई में थोड़ा लोग अपने अपने में नहीं रहते? डोंट यू थिंक दैट? मैं वैसे मुंबई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था. मतलब 2019 में हम यहाँ शिफ्ट किए थे, फर्स्ट अप्रैल को, 15 अप्रैल में पेरिस निकल गया था. तो फर्स्ट अप्रैल में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पे आया था और हम मतलब साथ ही रहते हैं. तो वो आदत तो फिर कभी नहीं लगा होगा. हाँ कोई साथ कंटिन्यूस रहता है तो फिर तो नहीं. हम दोनों सेम फील्ड में, और वैसे अगर मतलब मैं इस शहर से कभी बोर नहीं. And she's also very successful. हाँ वो मॉडलिंग करती है अच्छी खासी. मतलब उसे सब बेसाची कर रखे हैं. मतलब मनीष मोत्रा के लिए वॉक कर रखी है उसे. सारे अच्छे उसने भी मतलब. और वो प्लस साइज मॉडल है, इंडिया की फर्स्ट ही थी वो. हाँ तो मतलब अच्छी खासी है वो तो. वाओ नाइस. हाँ मतलब हमेशा लैक में पूली करती है वो. अच्छी ब्रांड करती है वो भी. ओके हम दोनों का पहले मॉडलिंग से भी पहले हम दोनों का इंस्टाग्राम पे वो था. सो यू आर डेटिंग अ प्लस साइज मॉडल राइट? हाँ. सो लाइक आप लोगों के बीच में कभी एक मतलब हम लोग याद है हम लोग पहले ऐसा था कि पहले मोटे को मोटा बोल देते थे ये सारी चीजें जो रहती थी. तो आई थिंक यू आल्सो कम फ्रॉम दैट काइंड ऑफ अ बैकग्राउंड इटसेल्फ. मतलब ऐसा तो आप लोगों के बीच में कभी ऐसा आर्ग्यूमेंट नहीं होता इस चीज को लेके, कैसे मतलब मेंटालिटी में चेंज नहीं है इस चीज को लेके? लड़का मोटा होता है ना, हाँ वो मोटा होता है. हाँ लड़की मोटी क्यूट होती है. गुड पॉइंट. हाँ तो मतलब इज शी वोक? आई एम श्योर मतलब वोक मतलब समझ रहे हो ना कि अरे होता नहीं है आजकल का वोक कल्चर फेमिनिस्ट. नहीं उसको वैसा कुछ नहीं है. वैसा नहीं है. हाँ ठीक है. वो अभी जैसे अभी उसको प्लस साइज में काम मिल रहा है. वो कर रही है. वो ऐसा भी नहीं कि घर ही बैठ रही है, तो जिम भी जाती है वो. अपना मतलब जिम करती है, वर्कआउट करती है, हेल्दी है. जैसे अब लोग कहते हैं कि अब वो ऐसे भी एकदम 150 किलो नहीं है वो. उसकी हाइट लाइक 5'10" 5'11" है. अपने वेट के हिसाब से 80-85 की अच्छा है उसका. बॉडी वेट मतलब अच्छा है उसकी, हेल्दी बॉडी है. चबी कह लो, मतलब मोटा नहीं, चबी लड़कियां होती है ना. लड़कों को होता है ना चबी लड़कियां थोड़ी ज्यादा पसंद आती है. ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स सही है. मतलब बस ओके गॉट इट नाइस. ओके तो मेरे को ये बताओ कि आपको कभी ऐसा आप आई एम श्योर यू मस्ट हैव been getting the opportunity, आपको बहुत बार अपॉर्चुनिटी मिलता होगा कि यू एंटर अ रूम, मतलब कोई ऐसे रूम में घुसे एंड देयर आर अ लॉट ऑफ अदर सक्सेसफुल पीपल. ठीक है, बहुत सारे ऐसे रूम में घुसते हैं और तुमको ऐसा लगता है कि और भी बहुत सारे मेजर सक्सेसफुल लोग हैं. तो कभी अगर ऐसे वो क्या बोलते हैं उसको कि खुद पे डाउट नहीं होने लग जाता होता है कभी कि खुद पे यार मैं कर क्या रहा हूँ, मतलब लोग तो इतना कर लिए हैं और मैं अभी भी यही कर रहा हूँ, मतलब कभी ऐसा फील होता है किसी रूम में घुसने? एंड अगर होता है तो हाउ डू यू डील विद दैट? यार इस चीज के ना दो दो
पहलू है देखने के, जैसे एक तरीके से आपने देखा कि अगर मैं सक्सेसफुल बंदों की मदद तो अपने पे डाउट कर सकता हूँ या नहीं, एक तरीके से होता है जहां से मैं उठ के आया हूँ, अब जहां से मैं उठ के आया हूँ और मैं भाव उन्हें देखता हूँ और उनके साथ बैठता हूँ तो मेरे लिए तो वो भी एक सक्सेस ही है, समझ गया। पर वो एट दैट जब आप रूम में होते होगे उन लोगों के साथ तो तब आपको ये चीज दिमाग में नहीं आता होगा कि एकदम तुरंत कि मैं इधर से आता उधर से, तब तो यही फील होता होगा ना कि यार मैंने शायद थोड़ा कम किया है, जो भी कभी भी नहीं आया। जैसे मेरे को होता है, जैसे मैंने ना लाइक जैसे फोटो अपलोड की इंस्टाग्राम में जो भी है, बट उतने में मैंने कोई इंटरनेशनल फोटोग्राफर का फोटो देख लिया, ठीक है, और उसने मेरे से बहुत अच्छी फोटो खींच के रखी डाली है, ठीक है, तो मेरे को तुरंत मैं कर क्या रहा हूँ, मैंने फोटो डाली भी क्यों है, मेरे को डिलीट कर देनी चाहिए, वैसा फील होता है। नहीं नहीं मेरे को नहीं होता, कभी नहीं होता, कभी नहीं होता, मतलब दिस गाय इज लाइक मोर सिक्योर देन आई थॉट, लाइक मतलब इट्स अ वेरी गुड थिंग, मतलब हुआ ही नहीं कभी वो, मतलब देखो बचपन में ना मम्मी ने एक बात कभी जिंदगी में सिखाई थी, मतलब मेरे तो लाइफ का रूल है कि अपने से कभी ऊपर को देख के मत जियो, हमेशा अपने से नीचे को देख के जियो, मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा मैं किसी को डाउनग्रेड कर रहा हूँ, पर मतलब मैं अपने आप को देखता हूँ और अपने से नीचे को लोगों को देखता हूँ, तो जहाँ मैं हूँ वो भी पता कितने लोगों का सपना होगा मुंबई में आने का, मतलब लोग मुंबई भी आ गए तब भी उस स्टेज पे नहीं आ पाए, तो अगर मैं उस बात को रोता रहा हूँ कि मैं वहां नहीं पहुंच पाया, किस्मत तो काफी मेहरबान हुई भी आप पे, कहीं ना कहीं हार्डवर्क तो है, आई एम श्योर, और मेरे को नहीं लगता कि सिर्फ हार्डवर्क से चीजें होती है, लक नहीं, इट्स ऑलवेज गॉड, मतलब मैं भगवान नहीं दिया, भगवान ने दिया, जो वही देता है जो वही करेगा। बट लाइक व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम इट हैपेंड कि ऐसा हुआ कि आपको, जैसे आप महादेव के बहुत बड़े भक्त हो, बट ऐसा पहली बार कब हुआ कि आप एकदम इंक्लिनेशन हो गया कि नहीं अब मैं इनका भक्त हूं तो हूं, मतलब ऐसा क्या हुआ जिंदगी में, कुछ तो ऐसा चेंजिंग मोमेंट हुआ होगा कि अब से तो मैं एकदम ही भक्त हूं, मतलब बचपन में उतना ध्यान नहीं रहता चीजों का, पूजा वूजा का, बट लाइक धीरे कब ऐसा मोमेंट आया कि नहीं अब मैं आपका पूजा करूंगा, आपका भक्त हूं। ये ना बहुत ऐसी लॉन्ग स्टोरी है, बट मैं शॉर्ट में बताऊं तो बचपन से ना घर में कुत्ते हैं, ठीक है, तो वो कभी हमने मतलब पाले नहीं है, कुत्ते घर में पर मैं हमने नहीं पाले, मतलब मम्मी पापा भैया दीदी मामा मामी छोटू भैया इन सब ने उनका ध्यान दिया। मुंबई आया फिर तो यहाँ पे खुद अकेले रहते हैं, यहाँ पे मैंने डॉग लिया सिज़ू, अब उससे प्यार हो गया, और मैं नॉन वेजिटेरियन था पहले, चिकन खाता था, सब खाता था, मतलब ऑलमोस्ट चिकन मटन सब खाता था, फिर मैंने डॉग को देखा, फिर एकदम से थॉट आया मन में, मतलब एक बार मैंने इंस्टाग्राम पे वो देखा था कि चाइनीज ना कुत्ता भी खा लेते हैं, मेरा बड़ा मन टूटा, फिर मैंने कहा मेरा तो कोई हक ही नहीं है मन टूटने का, मैं खुद ही चिकन खा रहा हूँ। तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है असित, तो बचपन से ही साथ में, तो मतलब भाई है, बेस्ट फ्रेंड क्या है, वो भाई है मेरा, तो उसने वो भी पहले नॉन वेजिटेरियन था, उसने छोड़ दिया, तो उसने कहा तू गालियां क्या दे रहा है, तू भी तो खाता ही है मुर्गे मुर्गे, बड़े दिल पे हिट की वो चीज कि नहीं यार ये सब तो नहीं करना। आप बहुत इमोशनल हो गए सर। हाँ मतलब ऐसे ऐसे नहीं, मतलब परेशान हो जाऊंगा, बट ऐसे कई मामलों में होना चाहिए, होता है इंसान थोड़ा है, होता है, सारे ही होते हैं, लड़के बताते नहीं है, लड़के मतलब बता देती थोड़ा, मैं वैसे कह रहा हूँ लड़कियां ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है लड़कों से, एब्सोल्युटली लड़के बताने में नहीं होते, लड़कियां रो देती हैं, लौंडा किसके आगे रोएगा, लड़का रोता नहीं है ना किसी आगे। तो वहां से एकदम हुआ, तो फिर लॉकडाउन में बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया था, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत लोग हुए थे, मतलब डिप्रेस, में डिप्रेशन नहीं बोलूंगा, पर एक फट जाती है ना इंसान की, डर लग जाता है, क्या करेंगे, क्योंकि मॉडल्स के लिए आई थिंक एज बहुत बड़ा फैक्टर होता है, काम का टेंशन नहीं थी सर, तो काम एज की टेंशन नहीं थी, काम तो मेहनत से कर लेंगे, भगवान हाथ पैर सलामत रखे, काम तो मेहनत से कर लेंगे, टेंशन नहीं थी टपक ना जाए, ठीक है। तो यहाँ से गए मुंबई से दिल्ली गए, हम तो दो तीन दिन का प्लान बना के गए थे, लॉकडाउन लग गया लंबा, तो तीन महीने बाद जब पहली फ्लाइट खुली थी ना मुंबई से, दिल्ली से मुंबई की स्पाइस जेट की, मैंने पीपीई किट पहनी, मैं यहीं आ गए, मन में रखे कि मरेंगे तो यहीं मरेंगे मुंबई में, कोई दिक्कत नहीं, काम करते करते मरेंगे, ठीक है। तो आ गए यहाँ पे, अब मेरे को यहाँ पे आके हो गया मतलब दो चार महीने बाद सेकंड में फीवर, फीवर वो बहुत है, मतलब मैंने अब हम बचपन में वो एक सेल्सियस फारेनहाइट होता है ना, तो शायद सेल्सियस में आते हैं ना 39 या फारेनहाइट में आता है 39, तो वो 39.9 कुछ ऐसे लिखा आया 40 समथिंग, तो मैंने कहा कमी होगा, अब मैंने उसको कन्वर्ट करके देखा बुखार 104 मेरी फटके 4 अब क्या करेंगे। और उसके बाद आंख एक लाल हो गई, यहाँ दाने 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 सब कुछ, मैं गया डॉक्टर के पास, बट वो कोविड नहीं था, मीजल्स से कुछ अभी तक पता नहीं चला था ना, अभी तो ये पता चला मेरे को, मैं गया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने कुछ जैसे बताया कि आपको कोविड तो नहीं है, मैंने कहा टेस्ट तो करवाया नहीं, कहता टेस्ट करवाओ,
कहते हैं ये मतलब बचपन में जब माता हो जाती है ना तो उसका सेल रहता है, सेल रहता है वो वापस ट्रिगर कर गया है, वो किसी चीज से ट्रिगर किया, वो हो सकता है कोरोना से भी ट्रिगर किया। तो अब डॉक्टर ने बोला सब, मेरे मामा भी डॉक्टर है, मामा को फोन किया, मामा ऐसे हो गया, मामा कहते कोरोना ही है बेटा। मैंने टेस्ट किया, टेस्ट में आया नेगेटिव। एक तरफ से तो डर कम हो गया पर अब एक तरफ से डर ज्यादा हो गया। डॉक्टर ने बताया था भाई तेरे तो इम्यून सिस्टम जवाब देगा इसलिए सब हुआ। अब मेरे को एक टाइम डर खत्म हुआ, फिर एकदम से ट्रिगर हुआ कि भैंस यार इस टाइम पे मुझे कोरोना हो गया तो इम्यून सिस्टम खराब हो रखा है, वीक हो रखा है, इस टाइम में कोरोना का टपक गया। उस टाइम में डिप्रेस्ड हो गया बहुत ज्यादा, परेशान हो। उस टाइम फिर मैंने गीता पढ़नी स्टार्ट की। सबसे पहले महाभारत वापस मैंने महाभारत पूरी देख रखी थी पहले भी, मतलब फिर उसके भगवान पे भरोसा बढ़ गया। भरोसा हनुमान चालीसा मैं रोज पढ़ता हूँ। अच्छा अच्छा, ऐसा कोई नहीं है कि बचपन फटी में नहीं कि फटी में भगवान के ढोल नहीं बजाए हमने। अच्छा, मैं डर में बेशक भगवान को कम याद किया, खुशी में ज्यादा किया, हमेशा खुशी में ज्यादा याद किया भगवान को। डर में मतलब ऐसे नहीं है कि डर लग गया तो मतलब जय बजरंगबली भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर, ऐसा नहीं है। तो मतलब वो कहते ना कि मतलब मैं तो मतलब ये सजेस्ट भी करूंगा लोगों के, अगर तुम जिंदगी में परेशान हो कुछ होना तो गीता जरूर पढ़ो भाई। करेक्ट, वही है जिंदगी का सार मेरे हिसाब से। तो मतलब सबसे बड़ा ऐसा सीख क्या मिला गीता से, उसमें सबसे बड़ी चीज जो पता चली, मतलब सब खत्म ही हो जाने यार, मतलब वही है सब कुछ। आई थिंक उसमें बहुत अच्छा है कि कर्म करते जा फल की चिंता ना कर, बहुत वो अच्छा तो है। वो तो कर्म में हाथ में मैंने गीता से ही लिखवा रखे हैं हाथ में, मतलब अगर दिखे तो इसमें तो धर्म धैर्य साहस, तो ये मेरे को अच्छा लगा था उसमें। कर्म तो करते रहो, इसका मतलब ये है कि युद्ध लड़ाई अगर मनोभूमि की है या रणभूमि की, मतलब अगर लड़ाई किसी भी चीज की है तो धर्म धैर्य और साहस से जीती जा सकती है। करेक्ट, धर्म के साथ और धैर्य रखो, पेशेंस, बहुत बहुत ओरिजिनल है ये, मैंने कभी देखा नहीं ऐसा कोई किसी ने टैटू करवाया। मैंने देखा पिंटरेस्ट से निकाल निकाल के करते, मैंने मतलब के टैटू बनवाए हैं जो, मतलब ये मेरा इच्छा थी मतलब महादेव को बताने की। तो जब से ये टैटू बना तब से तो मैंने चिकन हाथ में भी नहीं उठाया अपने। हाँ, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, गीता पढ़ी फिर महादेव की तरफ कैसे गए? फिर जैसे हनुमान चालीसा तो पढ़ता ही था, महादेव की तरफ अपने आप ही मतलब वो मतलब कैसे ना किसी पंडित जी ने बोला है कुछ हुआ नहीं, नहीं, नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे अगर मैं एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करता हूँ तो पंडित जी ने तो हमेशा यही बोला कि तू हनुमान जी का ही मतलब रहे, हनुमान चालीसा ही पढ़ तो वही देंगे सब कुछ देंगे। तो बाकी हनुमान जी भी तो इन्हीं के रूप है, हनुमान जी समझे शंकर स्वयं केसरी नंदन, मतलब खुद ही शंकर भगवान ही है, इन्हीं का तो अवतार है, अवतार है। तो मतलब वो कहते हैं कि मतलब जो शिष्य होता है ना वो अपना गुरु नहीं चुनता, गुरु अपना शिष्य चुनते हैं, मतलब वो ऐसे देखा जाए तो मतलब इंसान अपना भगवान नहीं चुन सकता, भगवान इंसान को चुनता है। उन्होंने खुद बुलाया होगा, उनकी खुद भक्ति में लग गए। तो बस अभी मैं रिसेंटली त्र्यंबकेश्वर और अभी कृष्णेश्वर मतलब ज्योतिर्लिंग करके आया हूँ, तो मतलब इस साल ही सोचा कि मतलब ज्योतिर्लिंग कर लूंगा सारे, मतलब इस इन दो सालों में, मतलब वो बाकी बुलाने वाला वो है, हम तो उनसे मांग सकते हैं। तो मतलब ये सोचा कि केदारनाथ से पहले नहीं, केदारनाथ नहीं गया, तो मतलब ये है कि 30 साल से पहले पहले मेरे को 12 ज्योतिर्लिंग करने हैं। अभी कितने साल के हो? 28 बराबर है अपन, 28 साल। अजीब लगता है 28 में इसने कितना अचीव कर लिया, मैंने तो अभी भी कर ही रहा हूँ, स्ट्रगल ही कर रहा हूँ, मुझे तो लग रहा है। मैंने आप इसे पिक्चर खिंचवाई है जो अच्छी गई है। नहीं नहीं, एंड बहुत अच्छी आई थी वो पिक्चर, बहुत ज्यादा अच्छी आई थी, बहुत अच्छी लगी थी। मेरी फेवरेट वो एक रेड वाली थी, रेड जैकेट में, और एक वो ब्लैक वो पहना हुआ था ना मैंने जैकेट, वो क्या कहते हैं उसे मेरे को पता नहीं। हाँ हाँ हाँ, था और ऑरेंज वाला भी अच्छा था, ऑरेंज जैकेट वाला भी अच्छा था, ऑरेंज वाला भी अच्छा था, काफी सारे वो ओपन था ना वो भी अच्छा था, मजा आया था शूट में, पंजाबी गाने चले थे पूरे भाई। मतलब मैं वो शूट में इतना बोर हुआ हूँ ना, बंदा पंजाबी गाने चला चला के जो बोर किया मुझे, बट बिकॉज मैं आई एम फॉन्ड ऑफ पंजाबी, बट आप एकदम ठेठ पंजाबी लगा रहे थे, मतलब मुझसे वाला हाँ एकदम ठेठ पंजाबी लगा रहे थे, और मैं क्या चलो दिलजीत दोसांझ पंजाबी मैं सुन सकता हूँ, ठीक है कि चल दिलजीत दोसांझ थोड़ा रिलेटेबल पंजाबी फिर भी गा लेते हैं, पर वो सिद्धू मूसे वाला है ठेठ पंजाबी, मतलब उसको कुछ अगर तुमको पंजाबी नहीं आती उसका कुछ समझ में नहीं आएगा क्या गा रहे हो। वैसे ये ना कि अगर तुम लड़की के साथ डेट पे जा रहे हो तो तुम दिलजीत दोसांझ सुनो, तुम लॉन्डो के साथ घूम रहे हो तो सिद्धू मूसे वाला सुनो। तो आप सिद्धू मूसे वाले के फैन थे? हाँ बिल्कुल, पसंद था, लिरिक्स बहुत अच्छी थी उसकी, मतलब समझ आती है ना, वो बंदा जो लिख गया मेरे हिसाब से तो कोई पैदा भी नहीं होगा वैसा लिखने वाला, कोई पैदा ही नहीं होगा कोई, मतलब वो अपनी हर गाने में तो डेथ लिख गया अपनी। अच्छा, हर गाने में उसने बता दिया था कि मैं कैसे मरूंगा। अच्छा हाँ, मतलब कितने उसके पहले कितने गाने में लाइफ स्टाइल आया था गाना, उसमें लिखा हुआ था उसने जीवन दे गन्नाल मरते हैं गन्नाल, कि मतलब हम जीते भी गन के साथ हैं और मरते भी गन के साथ हैं,
और जब उसके मरने के बाद एक गाना लीक हुआ था, वो भी गाना लॉन्च भी नहीं हुआ पर वो लीक हो गया, थोड़ा पार्ट लीक हुआ तो सुनता हूँ, मैंने भी सुना हुआ तो उसमें लिखा हुआ है गोली बजी थे तो सोची ना मैं मुक जाऊंगा, मेरी यारत है बहाते मेरे टाटू बंदे, मतलब अगर मेरे को गोली लगेगी और मैं मर गया तो सोच मत लियो कि मैं मुक गया, मतलब मेरे जाने के बाद मेरे लोग मतलब मेरे हाथ पे टाटू बनवाएंगे मेरा, मतलब कितने लाखों लोगों ने टाटू बनवाया था सुनने वाले का, अभी भी बनवा रहे हैं लोग, मतलब उसने भी बताया था सरकार इन्वॉल्व होगी ये सब होगा गाने में लिखा हुआ था, मतलब जैसे ही वो मरा जब जिस दिन उससे एक दिन पहले वो पंजाब में कौन सी पार्टी थी आप पार्टी है ना लोग, उसने डाल तो दिया था कि हमने सिद्धू मूसेवाले की सिक्योरिटी हटा दी। अच्छा बट आप रिलेशनशिप में तो फिर मतलब बहुत टाइम से ही हो, बट उसके पहले डेट किया है, मतलब कितना किया है डेट किए किए, मतलब मैं किए अच्छा खासा अच्छा गोली मार देगी मुझे बता दिया था नहीं नहीं किए डेट पहले था मतलब रिलेशनशिप में तो वो 3 साल चला था मेरा रिलेशनशिप अच्छे आपके हमेशा चले अच्छे खासे चले, मतलब मैंने कभी मतलब मैं इंसान ऐसा होगा किसी से प्यार ले तो छोड़ नहीं पाता वो मेरे में, मतलब अच्छी आदत भी बुरी आदत भी है छोड़ दे बट मैं नहीं छोड़ूंगा, हां अच्छी आदत भी बुरी आदत भी है वो मतलब छोड़ ओवर कम ही नहीं कर पाते, पर फिर वो पता था बचपन का प्यार ये सब, उसके बाद धोखा मिला हमें लगा हम, मतलब आपको धोखा मिला जिंदगी में हैं, जिंदगी धोखा मिला हां हां वो मतलब, एंड आपको क्या लगता है क्या रीजन धोखा मिलने के, डिड दैट मतलब डिड दैट डेवलप इनसिक्योरिटी इनसाइड यू कि क्या रीजन हो सकता है मुझे धोखा दिया, मतलब वो उस टाइम पे तो लगा होगा कि क्यों दिया यार, बहुत पॉजिटिव थिंक करूं हम जिसने वो कहते ना, एक बार तो अपने आप पे डाउट गया होगा कि यार शायद मैं उतना अच्छा नहीं दिखता, शायद मेरे पास उतने पैसे नहीं है इस कारण से, शायद कुछ तो रीजन होगा, मतलब ऐसे अपने आप पे डाउट नहीं, जैसे मेरे को ना मेरी पहली बंदी छोड़ के गई थी तो मेरे को ऐसा लगता था शायद मैं बहुत काला हूँ इस कारण से मुझे छोड़ के चली गई है नहीं यार अगर आप मेरी बात मानो तो मतलब मैं चाहता था कि मेरा इससे कलर ना मतलब 2-3 वो और इनसिक्योरिटी डेवलप नहीं हुआ उस टाइम, कुछ तो लगा होगा क्या रीजन से छोड़ गई, अपने आप पे डाउट तो क्या होगा कि क्या हो गया, छोड़ के भी नहीं गई, मतलब छोड़ना तो चलो एक चीट किया था, मतलब उसने चीट तो और भी बड़ी बात हो जाती है कि भाई मैंने ऐसी क्या कमी छोड़ दी जो मेरे को चीट करके चले गई ऐसा, मैं वही मतलब ये किस्मत अच्छे भगवान ने दिमाग ना बहुत बढ़िया दे रखे तो मैं अच्छी चीज ही सोचता हूँ, अब वही है सांप को जितना मर्जी दूध पिला लो वो डसेगा, पर ये भी मतलब ऐसे सॉरी गलत चीज है, मतलब क्या पता सांप ना काटता हूँ तो मतलब नहीं जिसने जिसकी नियत में उसने मतलब अगर धोखा देना तो देना ही है तुम कुछ भी कर लो, मतलब मैं इस रिलेशनशिप में ही नहीं हूँ कि लड़की को पकड़ के रख लो खुला रखा करो, मतलब अगर उसने जाना है तो जाएगा ही, धोखा देना देगा तो अगर उसने तुम और तुम्हारा ही रहना है तो तुम कुछ भी कर लो तुम्हारा ही रहेगा, True. वैसे ही रखो मतलब तो कभी भी इनसिक्योरिटी हिट नहीं हुआ उस चीज को लेकर, बाकी दोस्त बहुत बढ़िया है, मतलब जब ब्रेकअप भी हुआ था तब भी परेशानी नहीं हुआ था, तो एक दो दिन के लिए तो हो जाता है ना, मतलब हफ्ता लगा लो मैक्सिमम मैं परेशान हुआ क्योंकि मतलब वो एक आदत हो जाती है ना इंसान की 3 साल से रोज साथ में रह रहे, मतलब 3 बजे तो दोपहर में मिल जाना था और रात को 9-10 बजे तक साथ रहना था, फिर उस इंसान की आदत तो ओवरकम करने में कितना टाइम लगा वो ब्रेकअप से, 2-4 दिन हफ्ता यार दोस्त बहुत बढ़िया है मेरे भाई बहुत बढ़िया बना रखे हैं, नहीं तो लाइक और कितना टाइम का रिलेशनशिप था, 3 साल परेशान हो गया इतना प्यार है दोस्तों में बहुत ज्यादा, मतलब इट्स सो लकी, मतलब आई वुड हैव टू से कि मतलब मेरे लाइफ में भी हैं बहुत अच्छे दोस्त हैं बट ऐसा कि भाई मैं मेरे को अच्छा नहीं लग रहा और भाग के आ जाए फ्लाइट लेके, मतलब ऐसे दोस्त मिलना बहुत बहुत किस्मत वाली चीज, ये गांव वाले होते हैं ना मतलब वहाँ पे मतलब वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब मैंने जिंदगी में अगर कुछ चीज सीखी और मतलब मैं जिंदगी में किसी को बताना चाहूंगा ना तो मतलब भाई बनाओ मतलब दोस्त बनाओ वही काम आएंगे जिंदगी में, और अरे दो स्कूल से हैं किसी ने काम नहीं आना, मैं हाँ मेरे स्कूल फ्रेंड मैं मुंबई में आके मैंने कोई दोस्त नहीं बना, मतलब जैसे आपसे बात होगी आप फोटोग्राफर हो सब, नहीं नहीं आई एग्री, मतलब वो रोज जाना का मतलब एक्वेटेंसेस बोलते हैं उसको, एक्वेटेंसेस बोलते हैं कि हाय हेलो फ्रेंड्स हैं वो बोलते हैं, मतलब वो जो है ना कि मतलब जो खड़े हो जाएंगे मेरे लिए वो मेरे बचपन के दोस्त ही दोस्त हैं, मतलब मैं तो जैसे मैं अपने ग्रुप का सबसे फट्टू लड़का हूं, ठीक है, और गुड़गांव में रहते हैं मतलब वहां गोली चलती थी, मतलब जब हम डंडे डंडे से लड़ाई होती रोज, तो मतलब मेरे दोस्त ऐसे भी नहीं थे कि मतलब ये बोले कि
तू मारना सीख एक आधी बार हुआ था और नहीं, वो हमेशा कभी लड़ाई हो जाए झगड़े हो जाए तो बोल देते थे बेदी तू घर जा हम देख लेंगे, और अगर मेरी लड़ाई हो जाती थी तो मतलब मैंने अपने सामने से देखा, सामने वाले को उन्होंने खत्म कर दिया, मतलब बहुत मारे उसे नहीं, और इतना अच्छा भाई तू घर जा तू मत पढ़ हम देख लेंगे, मत पढ़ मतलब उन्होंने हमेशा मतलब मेरे दोस्तों ने बोला कि तू मत फंस इन कामों, जैसे अभी भी मैं मतलब एक्टिंग मॉडलिंग में आ गया हूँ तो मतलब मैं गुड़गांव जाता हूँ तो वो कहते हैं तू मुंबई रहे अपना तू यहाँ मत आ तू यहाँ खराब हो जाएगा। मेरे एक दोस्त है स्कूल फ्रेंड ही है पुष्पिंदर नाम है उसका, तो गुड़गांव में ना गांव में रहते हैं चक्रपुर गांव में, तो मतलब गुड़गांव में 12 गांव यादवों के हैं, तो वो यादव था और अच्छा खासा मतलब स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड मतलब बदमाश था वो, मतलब स्कूल में 7th-8th क्लास में था ना तो 10th-11th क्लास के लड़कों को मारता था वो ऐसा, मतलब इतना मतलब उसके पीछे सपोर्ट भी बहुत था। ठीक है, तो मैं उसके गाँव गया तो वो बैठा हुआ है एक जगह है वहां पे ग्रीन्स, उसके बाहर बैठा वो ना एक बंदे को मार रहा, मारते मारते थक गया, मैं साइड में खड़ा हुआ, उसने चप्पल निकाल के मेरे को पढ़ाई, कहता बेटी थोड़ी देर मारी हुई इसे मैं थक गया। मैंने कहा भाई ये 13 गांव है मेरे को तो आने नहीं देंगे। बहुत अजीब, अब सारे सुधर गए, मतलब वो मतलब कैसा था वो लॉयर बन गया, सब सेट है मतलब अपनी जिंदगी में वो लॉयर बन गया, मतलब बच्चे की शादी शुदी हो गई है, बच्चा भी हो गया उसके, मतलब बढ़िया दोस्त बढ़िया है मेरे, बढ़िया है। ये क्वेश्चन डेवलप होता होगा बहुत सारे लोगों में जो स्पेशली जो मॉडल है, ठीक है, कि उनको ना मॉडलिंग से देखो मेजॉरिटी ऑफ द मॉडल लोग का एट द एंड ऑफ द डे करनी एक्टिंग है एक ही बार, डू यू अग्री टू दैट? मतलब कुछ लोगों को मतलब मोस्टली लोग मॉडलिंग स्टार्ट करते उसके बाद उनको ट्रांजिशन एक्टिंग में करना रहता ही है, मतलब उनको करना है एक्टिंग मतलब लेटर ऑन। नहीं मतलब कितने सारे मॉडल्स देखे मैंने उनको नहीं करना, बाहर ही जाने, किसी को बाहर ही अपनी जिंदगी बनानी है, किसी को सिर्फ इंटरनेशनल मॉडल ही बनना है, मॉडल इंस्टाग्राम पे ही रहने, ये सब ही करने। जैसे मैं तो मेरे को एक्टिंग ही करनी थी तो मेरे को एक्टर ही बनना है, तो मतलब मैंने एक सोचा हुआ था कि मैं 27-28 साल का हूंगा तो मतलब एक्टिंग, बट यू वुड एग्री राइट बहुत सारे मॉडल्स को एक्टर बनना है। हां बनते भी हैं, हां बने भी हैं। व्हाट डू यू थिंक वुड बी द राइट प्रोसीजर, की मतलब क्या प्रोसीजर होगा मतलब मॉडलिंग से एक्टिंग में आने का? मतलब ऑडिशन देते रहो साथ साथ अपने, मतलब मुंबई में होते हैं और ऑडिशन मतलब अच्छे खासे होते हैं, तुम्हें जाने मेहनत करनी है बस, टैलेंट होगा तो तुम हो ही जाओगे सेलेक्ट। यार मतलब टैलेंट की बात नहीं है, तुम जा रहे हो किस्मत वही मतलब है। आप तो हो गए, आप तो मैं हो गए। अक्षय कुमार सर ने कहा था कि ये इंडस्ट्री मतलब एक टाइम मैंने देखा था, मैंने उन्होंने कहा था कि इंडस्ट्री 70% किस्मत और 30% मेहनत है, या शायद बोलता है 80% किस्मत और 20% मेहनत है, तो मैं बोलता हूँ ये इंडस्ट्री 99.9% किस्मत है, 1% मेहनत है, पर वो जो 0.1% है ना वो लोग भी मेहनत नहीं कर पाते, उतनी भी नहीं कर पाते लोग मेहनत, आलस में बैठे रहते हैं कि मतलब जिम नहीं जाना, बॉडी नहीं बनानी। वैसे मैं पहले पतला था तो पतले लड़के चाहिए थे तो इसलिए मैं मॉडलिंग कर रहा था, पर जैसे गेम चेंज हुई कि अब फिट लड़के चाहिए तो मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की, मैंने अपनी बॉडी बना ली, मेरी तो फील्ड ही है ना, मेरे को जिम जाना है, मेहनत करनी है, अपना ऑडिशन देने जाने। पर हाँ मैं भी कभी कभी आलस कर देता हूँ घर पे, और जो बाहर जाके ऑडिशन देने वाले होते हैं ना वो मैं दे आता हूँ, जो घर पे ऑडिशन देने वाले होते हैं ना उसमें बहुत आलस आता है। लाइफ में ना कोई चीजों का कंट्रोल होता है तुम्हारे हाथ में और कुछ चीजों का नहीं होता है, जैसे मेरे हाथ में बीइंग गिविंग एन एग्जांपल ऑफ अ फोटोग्राफर, मेरे हाथ में इस चीज का कंट्रोल है कि मैं अपने आप को एक परफेक्ट से परफेक्ट फोटोग्राफर बना सकता हूँ, मैं फोटो क्लिक करना परफेक्टली सीख सकता हूँ, मैं उसके बाद एडिट करना भी खुद ही सीख सकता हूँ, रीटच करना मेरे को आता है तो मैंने रीटच करना सीखा, ये सारी चीज़ें मेरे हाथ में कंट्रोल में है, ठीक है, बट मैं बड़ा फोटोग्राफर बनूंगा या मैं बड़े ब्रांड्स के साथ काम करूंगा ये हाथ में मेरे कंट्रोल में नहीं है कहीं ना कहीं, ठीक है। बट जब मैं थोड़ा उसको और डीपली देखता हूँ आई रियलाइज कि जो चीज़ कंट्रोल में नहीं है ना उसको भी कुछ लेवल तक के तुम कंट्रोल कर सकते हो, जैसे बड़े ब्रांड्स मुझे तभी रीच आउट कर पाएंगे जब मैं अपना काम इंस्टाग्राम में डालूंगा तो उनके लिए मैं एक पाथवे छोटा बना रहा हूँ मेरे तक पहुंचने का। तो व्हाट डू यू थिंक कि आपने अपने लाइफ में ऐसा, अगर मेरे को पता है रोज कोई बैठ के ये सोचता नहीं है ये सर इतनी डीप चीजों के लेके, बट आपने अपने लाइफ में ऐसे कौन से डिसीजंस लिए होंगे जिस कारण से आपने वो अनकंट्रोलेबल चीज कंट्रोल की है? बिकॉज जब भी आप किसी एंडेवर में घुसे यू हैव सक्सीडेड, ठीक है, चाहे वो मॉडलिंग हो चाहे वो एक्टिंग हो, एंड चलो किस्मत पे तो थोड़ा दे देते हैं अपन क्रेडिट बेनिफिट ऑफ द डाउट, बट कुछ ना कुछ आपने ऐसी चीजें की होंगी जो वो अनकंट्रोलेबल चीज को आपने स्टिल अपने एंड से एक एफर्ट मारा होगा कि वो हाथ में आ गई आपके। एक तो मैं जहां से गुड़गांव से आया हूँ वो एकदम हमारा मतलब जैसे पले बड़े होते हैं तो गुस्सा बहुत होता है, हरियाणा मतलब गुस्सा मतलब ऐसे ही आ जाते हैं।
जैसे मैंने अपना गुस्सा बहुत कंट्रोल किया यहाँ पे, तो मतलब जैसे मैं एक बार एक डिजाइनर की कास्टिंग पे गया था, तो अब ये समझ आ गया था यहाँ पे फेवरेटिज्म है, मतलब ये चीज है, तो ठीक है हम भी किसी की फेवरेट है, बढ़िया है, तो वो मेरे कोई दिक्कत नहीं है कि अगर सबके फेवरेट होते हैं तो मेरे हम भी किसी की फेवरेट है, हमारा भी कोई फेवरेट है, तो हमें भी मतलब जिनके हम फेवरेट है उनकी वजह से काम मिल रहा है हमें, ठीक है। तो मतलब एक डिजाइनर था, मैं नाम नहीं लूंगा, उसकी कास्टिंग पे गया था मैं, तो मेरे साथ एक लड़का खड़ा हुआ था, तो तब मैं 52 केजीज का था, तो मेरे साथ एक लड़का खड़ा हुआ था वो 48 केजीज का था, 48-50 मेरे से भी पतला था, तो हम दोनों को उसने कपड़े पकड़ाए डिजाइनर ने, अब वो बंदा उसका फेवरेट था, मैं नहीं था, तो डिजाइनर ने मुझे आके बोला कि अपनी माँ को बोल करो को थोड़ा कुछ खिलाया करे, ऐसा बोलता है मुंह पे एकदम, ओ फक। तो मेरे तो अंदर मतलब बहुत गुस्सा है मेरे में, तो मतलब मैंने तो अपना गुस्सा यहाँ पे पी लिया इस इंडस्ट्री में, मतलब ऐसा होता ना कि एक लाइन है मतलब भोलेनाथ की, मतलब भगवान ने जहर पिया था हमने गुस्सा पी लिया, ठीक है, तो मतलब मैं लाल हो गया एकदम गुस्से से, मतलब दिमाग खराब हो गया, तो वहां मैंने अपना गुस्सा मतलब यहाँ गुस्सा बहुत कम किया मैंने अपना, नहीं तो मैं तो छोड़ूंगा भी नहीं, अगर कोई इंसान उल्टा बोल देना दो मिनट लगेंगे मुझको उसकी बैंड बजाने में, वो इतना बड़ा है मेरे से, मैं उसकी दो मिनट में बैंड बजा दूंगा, पर फिर मैंने कभी ये भी नहीं किया कि अपनी इज्जत पे आन दूं कोई बात, ठीक है, तो मैंने मतलब छोड़ा, मैं मेरे को नहीं करना आगे से, मतलब एक गुस्सा शांत होना चाहिए इंसान का, गुस्सा कम होना चाहिए जो तुम अपने कंट्रोल में कर सकते हो, गुस्सा मेहनत, जैसे फील्ड चेंज हुई, पहले पतले में चल रहे थे लड़के, जब टाइम था पहले तो लीन लड़के चाहिए एकदम पतले चाहिए, फिर एकदम से टाइम आया कि अब मतलब और थोड़ा मस्कुलर लड़के चाहिए एकदम, मतलब वो नहीं तकड़े नहीं एकदम बॉडी बिल्डर नहीं, पर एकदम मस्कुलर लड़के अच्छे, मतलब गुड लुकिंग, अच्छा अच्छी बॉडी हो, तो मैंने अपनी बॉडी बना ली, वो मैं कर सकता हूँ, वो मेरे लिए कोई नहीं करेगा, वो मेरे को खुद ही जिम जाना पड़ेगा, खुद ही वो करना पड़ेगा, शांत रहूं, और मतलब सबसे मतलब मैंने फेक नहीं किया कभी यहाँ पे, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहा हूँ, मतलब मतलब मैंने किसी को वो नहीं किया, मक्खन नहीं लगाया किसी को भी, यार भाई मैं वो पूछने ही वाला था कि यू आर दी ईगो मसाज करके, नहीं नहीं कभी कभी जिंदगी में नहीं किया मैंने, मतलब वो मेरे खून में नहीं है, मतलब वो अंदर ही नहीं है मेरे, वो मैं अगर करना भी चाहूँ तो मैं मतलब कभी कभार सोचता हूँ कि लोग इतना मक्खन लगा लेते हैं, आके बोल देते हैं मतलब अरविंद भाई आप जैसा फोटोग्राफर तो जिंदगी में नहीं देखा ये वो, नहीं मतलब वो अंदर से याद है, आपने फोटो देखा, आपने फोटोज खींची थी तो मैंने बता दिया था अरे ये फोटो एक नंबर की है, मतलब ये मेरे को देना, तो वो ऐसे आता है कि मतलब ये नहीं कि मैं तो थैंक यू जी यू आर द बेस्ट, नहीं मतलब लोग डिजाइनर के साथ फोटो खिंचाने जाते हैं तो मतलब मैं देखता हूँ मॉडल्स को कि हर डिजाइनर को फोटो पे डाल देते हैं वर्कड विद द बेस्ट, वर्कड विद द बेस्ट, वर्कड विद द बेस्ट, आज इसके साथ काम करेंगे ये बेस्ट, कल उसके साथ काम करेंगे ये बेस्ट, इन्होंने एक बंदा कोई बनाया ही नहीं है अपना, तो नहीं मतलब मैंने कभी किसी की ईगो सेटिस्फाई, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ऐसे बुरे वे में बोल रहा हूँ, बट अगर किसी बंदे ईगो सेटिस्फाई नहीं की कभी किसी की, मक्खन नहीं, मतलब ईगो सेटिस्फाई मक्खन नहीं लगाया किसी के कि नहीं मेरे को बहुत अच्छा लगता है आपके साथ काम करने में, आपने जिसने मेरे को काम करवाया उसको थैंक यू बोले, हाथ जोड़ के भी बोले, मतलब है बहुत लोग जिन्होंने मेरी मतलब बहुत हेल्प की है, हेल्प एज इन जैसे वही फेवरेटिज्म की बात कर ली ना कि मतलब मेरे को लेंगे ही लेंगे वो, तो अच्छा लगता है मेरे को। ओके, तो आपके ऐसा वर्स्ट एक्सपीरियंस क्या हुआ है मॉडलिंग में अभी तक का, मतलब वर्स्ट बोलो एकदम, मतलब जैसे मैंने लास्ट ईयर पहला सीरियल किया था ना, इससे पहले लास्ट ईयर से मैंने पहले सीरियल, ये 2023 की बात है ना, तो 2022 में 2023 में मैंने एक ऑडिशन दिया, उसी में सिलेक्ट हो गया था मैं एक्टिंग में, तो 2022 में मैंने एक ऑडिशन दिया, उसमें मैं लीड के लिए सिलेक्ट हुआ था एक सीरियल के लिए, मैं किसी चैनल पे आने वाला था, ठीक है सीरियल का नाम छोड़ो वो, तो उसमें लीड में सिलेक्ट हो गया मैं, तो सीरियल में ना मॉक टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट ये होता है कि सेट पे पूरा सेट पे जाते हैं हम, पूरा सेट नायगांव में लगा हुआ था, पूरा सेट पे गया था मैं पूरा हीरोइन के साथ, मैंने वो पूरा कॉस्ट्यूम वोस्ट्यूम पूरा हीरोइन के साथ कि कौन सी हीरोइन के साथ अच्छी लगेगी, पूरा एक सीजन का एक सीन शूट होता है वो, फिर चैनल देखता है, तो हम दो लड़के शॉर्टलिस्ट थे, मैं कन्फर्म भी हो गया था और मतलब वो भी हो गया था, क्या कहते हैं मेरा बजट भी फाइनल हो गया था कि इतने बजट पे काम करने हैं, ये सब ये सब, मैं बड़ा खुश था, मैं यार भैंस की पहला सीरियल मिला वो भी लीड, मजा आ गया, मतलब तब वो किस्मत ही किस्मत या ऊपर वाले ने लिख के भेजा, तो वो फिर एकदम से एंड डे पे पता चला, जैसे नेक्स्ट टू नेक्स्ट शूट स्टार्ट ना, तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई नहीं हुआ आपका, दूसरा लड़का फाइनल कर लिया, ओहो बहुत मन टूटा मेरा उस दिन, आप इतना कभी परेशान हुए वो दिन था, मैं बहुत परेशान हुआ था, परेशान हुए थे बहुत, मतलब बहुत ज्यादा परेशान हो गया था,
बड़ा दिमाग खराब हो गया, डिप्रेशन में चला जाता है इंसान। और ना डिप्रेशन में नहीं, वो क्यों समझ नहीं आता भाई। और मेरे को ऐसे लोग ना बिल्कुल नहीं समझ आते भाई, तुम सीधे सीधे ना बोल दो या सीधे सीधे हाँ बोल दो, ये क्या है भाई। तुम हो गया था मेरा कंफर्म था, एंड में ना हुआ, मेरे को नहीं पता ऐसे कोई क्यों करेगा। मतलब किसी इंसान को तोड़ देता है ये चीज, मतलब कि तुमने इतना सब कुछ एफर्ट भी मरवा लिया, सब करवा लिया, ठीक है, सब जो भी चीजें रिक्वायर्ड थी सब चीज कर लिया, बट आखिरी में जाके तुम बोल रहे हो कि हाँ। बहुत उस टाइम बहुत परेशान हुआ था मैं, गया मतलब दिमाग खराब हो गया। तो फिर देखा, फिर वो सीरियल लॉन्च हुआ, तीन महीने दो महीने बाद सीरियल लॉन्च हुआ। तो मैंने देखा, मैं सीरियल देख रहा हूँ, तो ठीक है, वो लड़का अच्छा लग रहा था मेरे को, कोई दिक्कत नहीं थी मेरे को, ऐसे उस लड़के से दिक्कत नहीं हुई थी। मैं देखता हूँ कि ऐसा क्या था, तो वो सीरियल अभी तक का सीरियल इंडस्ट्री में पहला सीरियल था जो 30 दिन भी नहीं चला। 30 दिन भी नहीं चला तो पता है बहुत बुरा चीज होता है। शुक्र है मेरे को नहीं मिला, क्योंकि अगर ऐसे सीरियल बंद हो जाते हैं ना, तो बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी भी मानते हैं कि ये लकी नहीं है, एक्ट्रेस लकी नहीं है, ये समझे तो एक्ट्रेस बहुत ज्यादा आ जाते हैं, आ जाता है। मतलब मैंने तो सुना है, ये देखा भी अपनी आंखों से, आई एम श्योर। हाँ, तो फिर मैंने फिर मैंने 3-4 महीने बाद समझ आया कि मतलब शांति आई, कि शुक्र है मेरे को नहीं मिला। कि पहला सीरियल लीड मिलता, 28 दिन में बंद हो जाता, करियर की ऐसी हो जाती, ऐसी तैसी हो जाती। सही बात, चलो ठीक है, बढ़िया हुआ। जो भगवान करता है, फिर मैं समझ गया था अच्छे के लिए करता है, तो सब बढ़िया ही हुआ है। हाँ, फिर तो बढ़िया हुआ। और सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस क्या था अभी तक का? बेस्ट एक्सपीरियंस बहुत सारा हुआ मेरे से। सबसे पहले GQ का ही हुआ, कि मतलब मैं सिर्फ एक पिक्चर खिंचवाने गया था, फिर मतलब बहुत सारी पिक्चर्स आ गई। और फिर मेरे लिए तो यार हर चीज, मतलब अब कैसे बताऊं, जैसे अगर आपने फोटोग्राफी स्टार्ट किया पहले से, तो आपने जो जो भी शूट किया होगा आपके लिए तो बेस्ट होगा ना, नई नई ब्रांड से पूछ लिए। तो मेरे तो सब नया ही था। अब मैं शाहरुख खान का बच्चा तो वैसा नहीं हुआ, नहीं डियोर करके खुश होऊंगा। तो मेरे को तो जब लैक में मिला तो भी मैं बहुत खुश था, मतलब तो सपने ही पूरे हुए सारे के सारे। मेरे को तो सारा अच्छा लगा। मैंने GQ किया था अच्छा लगा, वो किया था अच्छा लगा, गौरव गुप्ता, मतलब जितना सब कुछ किया मेरे को तो सब मेरे सपने ही पूरे हुए थे। मतलब जो जो सपना था वो जी रहे हैं, जी रहा हूँ अपने सपने में, बस वही है।